Hello students, a very good morning to all of you. So in English, today we are going to start our new chapter, new poem, Sea Song, which is at page number 34 in your NCERT English textbook, unit 4, page number 34. So, bache, ye kya hai? Ye ek sea song hai. Sea song ek gaane ki tarah ek poem hai, jisme sab kuch hume kiske baare mein bataya gaya hai, sea. सी हम किसे बोलते हैं, जो बड़ा विशाल समुद्र होता है पानी से भरा हुआ, उसे हम सी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें से एक बच्चा जो है उसे कुछ बहुत ही सुंदर चीज़ जो है वहाँ से मिलती है और वो उसे अपने घर लेके आता है, अपनी मदर को दिखाता है और फिर उसे और भी कई चीज़ों के बारे में पता चलता है. सो लेट अस स्टार्ट सी सॉन्ग. आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन. सो ये एक बच्चे की तरफ से पोएम है, वो बोल रहा है कि मुझे एक शेल मिला है जो कि देखने में कर्ली है. कर्ली हम किसे बोलते हैं, जिसकी थोड़ी शेप घुंघराली होती है, स्ट्रेट नहीं होती, ऐसे ऐसे कर्ल्स में होती है, जैसे कि ये बादलों की शेप है कर्ल्स में, सेम ऐसे. उससे पहले शेल क्या होता है, शेल यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको बॉटम पे पेज नंबर 34 पे ये बना के दिखाया गया है. शेल एक शंख के तरह, जो छोटे छोटे शंख होते हैं जिसे हम सिपियाँ बोलते हैं, वैसा होता है. ये हमें समुद्र में मिलता है और ऐसा ये एक ही नहीं होता, ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, वो हमें सी में से, सी वाटर में से मिलते हैं. बेसिकली ये कहाँ से आते हैं, ये एनिमल्स की बॉडी जो अंदर मरीन एनिमल्स होते हैं समुद्र में, पानी में रहने वाले जो मरीन एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फ़िश है, टैडपोल्स हैं, कोई स्टार फिशेज़ हैं, डॉल्फिन्स हैं और क्रैब्स हैं, ऑक्टोपस हैं, तो उनकी बॉडी का ये एक पार्ट होते हैं बेसिकली. लेकिन टाइम टाइम पे वो पार्ट जो है, जैसे हमारे नेल्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ के पैर के नेल्स होते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो टाइम टाइम पे आके हम उन्हें काटते रहते हैं. लेकिन जब हम नेल्स को काटते हैं तो हमें पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता हमें बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमारी बॉडी का एक एक्स्ट्रा पार्ट है. ठीक है, जब वो बढ़ जाते हैं तो हम उन्हें काट देते हैं. इसी तरह से जो ये शेल्स हैं और जितने भी कोई प्रीशियस स्टोन्स हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव मटीरियल बनता है, आर्ट क्राफ्ट्स बनते हैं और पेंटिंग्स में भी ये यूज़ होते हैं, ज्वेलरी बनती है, जो हम जिन्हें हम गहने बोलते हैं, ज्वेलरी वो बनती है. तो ये बेसिकली देखने में इतने सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं आपको, क्योंकि इनकी शेप्स, इनके जो कलर्स हैं, टेक्सचर्स हैं, वो इतने डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि आपको देख के लगता है कि ये मैं सारे इकट्ठे कर लूँ, ठीक है, अपनी कलेक्शन में रख लूँ. तो इसी तरह बच्चे को ये प्यारा सा एक शेल मिला है. आप इसे इंटरनेट पे भी चेक करते हैं, कर सकते हैं कि शेल्स क्या होते हैं, उनकी पिक्चर्स कैसी होती हैं. सो इस बच्चे को एक शेल मिला है, कर्ली वन, लाइंग ऑन द सैंड. तो पानी के पास बहुत ज़्यादा रेत होती है, तो वहीं पे इसे ये एक शेल पड़ा हुआ मिला है. आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम. मैंने इसे उठा लिया और मैं इसे कहाँ ले गया, अपने घर ले आया. कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मेरे हाथ के अंदर इसे जब मैंने पकड़ा हुआ है तो ठंडा ठंडा मुझे फील हो रहा है. इट इज़ कोल्ड इनसाइड माय हैंड. मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माय ईयर. मम्मी ने इसको देखा और उसे पकड़ के मेरे कान के पास ले आए. एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग. और जब मैंने उसे अपने कान के पास लगाया तो उसमें से एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जो कि एक बहुत मीठा गाना लग रही थी. सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर. सॉफ्ट मैंने बहुत ही प्यारी, स्वीट मैंने मीठी और क्लियर मैंने बिल्कुल साफ एक मुझे धुन जो है गाने की वो सुनाई दे रही थी. आई वॉज सरप्राइज्ड. मैं इतना हैरान हो गया. आई लिसन्ड हार्ड. मैंने ध्यान से बड़ी मुश्किल से उस आवाज़ को सुना, पहचाना. बट इट वॉज रियली ट्रू. लेकिन वो सच में आ रही थी. आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल. मैं ये विश करता हूँ, मेरी ये कामना है कि काश मेरे जैसा एक शेल आपको भी मिले बड़ा सा. एंड हियर इट सिंगिंग टू. एंड आप भी उसको गाते हुए सुन सको मेरी तरह. सो इट वॉज़ अ वंडरफुल पोएम विच इज़ अबाउट सी. आप देख सकते हैं ये एक शेल है. शेल के जैसे हमें और भी बहुत सारे कीमती और सुंदर कलरफुल पत्थर,
छोटे छोटे प्रीशियस स्टोन्स, जैम स्टोन्स हमें वहाँ से समुद्र में से मिलते हैं, सी में से। सो बहुत सी चीज़ें हमें जो सी वाटर है वहाँ से मिलती हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर होती हैं। तो उसी के बारे में ये एक सी सॉन्ग है जो कि बच्चे को एक शेल में से सुनाई देता है। बेसिकली जब हम नेचर के करीब जाते हैं, जैसे हमें कभी कभी लगता है जब बहुत तेज़ हवा चलती है कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके पत्ते आपस में झूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ठीक है, और जो बादल है वो हवा में उड़ते जा रहे हैं, तो और जो पंछी हैं, ठीक है, हमारे घर में जो आते हैं, जब वो चहचहाते हैं तो कई बार हमें वो जो आवाज़ है वो बहुत ही प्यारी लगती है। तो इसी तरह इस बच्चे को इस शेल में से एक मीठा गाना सुनाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ पोएम। आपने क्या करना है, मैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन करके आपको दूंगी। आपने उन्हें नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके स्पेलिंग्स जो हैं वो भी अच्छे से लर्न करने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ इंग्लिश क्लास वर्क। थैंक यू क्लास, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।